आगे करो। बाबा क्या हुआ? चोट आई है, कमरे में ले जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। Shri Ram.
अलग हो गए आप दोनों। पर सिर्फ मारो हक है। नहीं आइए इंस्पेक्टर। पापा अभी थोड़ी देर पहले मैं यहां से किसी ने फोन किया था, क्या बात? जी वो फोन मैंने ही किया था। कुछ देर पहले अचानक कुछ गुंडों ने घर पर हमला कर दिया था। आपको किसी में शक है क्या, जैसे कोई जाती दुश्मनी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसे कैसे उन्होंने हमारे घर पे ऐसे हमला बोला? जैसे आप में से किसी ने भी उन गुंडों का चेहरा देखा क्या? इंस्पेक्टर साहब दरअसल हाथापाई में मैंने एक चेहरा देखा था। वेरी गुड, फिर तो आप हमारी मदद कर सकते हैं जी स्केच बनाने में। मैं अभी उस आर्टिस्ट को यहाँ बुलाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। आज तो बाल बाल बच गए झुमरू। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस के आने से पहले पटे से निकलने को मौको मिल गयो हमने। पर एक बात तो है मामा, दो दो आभाने एक साथ देखकर स्वर्ण भवन में तूफान मच गया हो। मचने दे झुमरू, यो तूफान स्वर्ण भवन की नींव हिला के रख देवे गो। सर में गहरी चोट लगने से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने ये कुछ दवाइयां लिख दी हैं, कल तक ये होश में आ जाएंगी। उसके बाद ये दवाइयां इनको दिन में दो बार दीजिएगा, ठीक है? और इनका बहुत ध्यान रखना है आपको। पता नहीं ये किस तूफान के आने का संकेत है। मेरी बात का यकीन करो, अब यहाँ इसी घर में है, स्वर्ण भवन में है। इस सब में कहीं प्रियंका की कोई चाल तो नहीं? बिल्कुल हो सकती है भाभी। जब हम प्रियंका को घर से निकाल रहे थे तो बकेई जा रही थी ना कि आभा यहीं है, यहीं स्वर्ण भवन में। तो आभा के हमशक्ल को आभा बनाकर यहाँ लाने की चाल प्रियंका की हो सकती है। प्रियंका को तो ना भैया प्लीज, सिर्फ चेहरा हमारे जैसा होने से कोई हमारी जगह तो नहीं ले सकता ना। और फिर डॉक्टर ने कहा ना कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, कल सुबह सारा सच सामने आ जाएगा। आभा इस घर के लोगों के दिलों में बसती है और हमसे ये जगह कोई भी नहीं छीन सकता। ये आप सब जाके आराम कीजिए, हम हैं ना इनके साथ, हम रखेंगे इनका पूरा ख्याल। जैसे इन्हें होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। लेकिन आभा आप परेशान मत होइए, हम हैं ना।
मैं जानू हूं करण, थे बहुत परेशान हो ये सब के कारण। बस आज रात को ही बात हो, एक बार यो मसलों निपट जावे, उसके बाद हम इतना ख्याल रखेंगे आपका और सभी घरवालों का कि परेशानी क्या होती है आप भूल ही जाएंगे। मम्मा के पास से क्या खा रहे हो? बिस्किट? हू बहू एक जैसी शक्ल। मत अपनी आंखों से देखने पर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। पता नहीं शैली, ऊपर वाला क्या खेल दिखाना चाह रहा है, और ये लड़की किस मकसद से इस घर में आई है? तो इसके होश में आने के बाद ही मालूम पड़ेगा माँ की क्या सच है और क्या झूठ। चलिए पापा को भी दिखाते हैं। अरे नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। ठीक है मैं तो आप भी आराम कर लीजिए। करण का नाम लिया। सुना तो। लेकिन शैली एक बात सोचो, जब ये लड़की उन हमलावरों के साथ में हमारे घर तक आ सकती है तो कौन जाने ये फिर कोई नाटक कर रही हो, कौन जाने कि बेहोश है या सिर्फ होश गंवाने की नौटंकी कर रही है। अब भोली सूरत वालों पर विश्वास करने का मन नहीं करता, हम बहुत धोखा खा चुके हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ माँ, कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। कल सुबह तक पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। शायद एक बंजारन को प्रेम कोई समझ न पावे को। अगर यो बंजारन किसी से भी अपना जी जोड़ लेवे हो तो मरते दम तक भी को साथ न छोड़े। और अब माँ अपने प्यार के वास्ते आभा से भी ज्यादा आभा बनकर दिखाऊंगी कि खुद आभा ने भी विश्वास न होवे को कि माँ कि हम आभा नहीं है। यो तेरे प्यार की अग्नि परीक्षा है अर्पेली, और ना आज तक तू कभी हारी है और इस बार हारने की कोई गुंजाइश है। जानते थे आप सोए नहीं होंगे, ये सब इतना अजीब जो है, आपके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारी खुशियों पर करण हम किसी की भी बुरी नजर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने देंगे। हमारा मन मान नहीं रहा था इसलिए नमक और मिर्ची लेकर आए हैं आपकी नजर उतारने के लिए। आज तक हमने सुना था कि हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है, इस बार हम भी इस बात को मानना चाहेंगे
और हमें पूरा यकीन है, हमारा विश्वास टूटेगा नहीं। चलिए, पर आप बेफिक्र होकर सो जाइए, बस आज की रात की ही तो बात है। पावनी उठ गई है, हम देखते हैं। सब कुछ सही दिख रहा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है, अजीब सी बेचैनी है। सिंदूर पर सिर्फ मारो होके। आभा, नेक आभा बुरा ना मान, परिमा मारी कोई गलती ना है, यो सब तो ऊपर वालों को रचो खेल। वरना मारे को अठे भेज तो ही क्यों, भेजो तो भेज, पर मारे को अठे रोक कर भी रखियो, वहां तो अपना सामान बांधकर जाने को तैयार थी, पर देख स्वर्ण भवन ने मने जाने ना दिया। बहुत अच्छे हैं स्वर्ण भवन के लोग। करण, मना छोड़ूंगी करण ने, मना छोड़ूंगी करण ने, और तू तू चिंता ना कर आभा, मैं थारे से वादा कर, थारे जितना करूंगी मैं करण ने, मारे करण ने और मारी पावनी ने। तू और तू तो बच्ची हो गई है, बावड़ी हो गई है, बावड़ी, तू बावड़ी, तू संभाले की मारी पावनी ने, तू ख्याल रखेगी मारे मारे करण का, तू ख्याल रखेगी। बोझ है तू, बोझ। सिंदूर पर सिर्फ मारो हक है, सिर्फ मारो और मने अपनो हक बांटनो ना आवे।